दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ रोचक फैक्ट के साथ ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों व इतिहास के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। छिंदवाड़ा देश के हर राज्य मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद खजूर के पेड़ों की अधिकता के साथ बसा हुआ है। छिंदवाड़ा शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ कुछ इस तरह है, छिंद का अर्थ खजूर से है और वाड़ा का अर्थ स्थल से है। इस तरह दो शब्दों को मिलाकर इस शहर का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। दोस्तों ये अपने उत्कृष्ट स्थानों के कारण ये शहर राज्य के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। ये शहर समुद्र तल से 675 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस जिले के क्षेत्रफल की तो इस जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा की जनसंख्या 20 लाख के लगभग है। छिंदवाड़ा की साक्षरता 72.21% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 966 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 13.03% रहा है। छिंदवाड़ा जिले में बहुसंख्यक जनजातीय आबादी है। जिले में हिंदी भाषा, मराठी भाषा, गोंडी भाषा, उर्दू भाषा, कोरकू भाषा, मुसाई भाषा आदि भाषाएं उपयोग में है। फ्रेंड पर्यटन के लिहाज से छिंदवाड़ा एक आकर्षक गंतव्य है जो विभिन्न आकर्षणों की पेशकश करता है। लेकिन इन खूबसूरत आनंदित पर्यटन स्थलों के बारे में आगे जानेंगे। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर उद्योगों पर आधारित है। कुछ प्रमुख उद्योग हैं जैसे रेमन छिंदवाड़ा संयंत्र, मसाला पार्क, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर, सूर्यवंशी स्पिनिंग मिल्स और कई अन्य भारी उद्योग। इस जिले में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक इकाई भी है जो भारत की सबसे आवश्यक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। इस जिले में मसाला पार्क भारत का पहला मसाला पार्क है। यह 25 फरवरी 2009 को छिंदवाड़ा में खोला गया था। फ्रेंड यह जिला जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा जिले में प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदार होते हैं। फ्रेंड अब जानते हैं इस जिले के इतिहास के बारे में। दोस्तों छिंदवाड़ा का पठार गोंड राजवंशों की कर्म भूमि रही है। इस भूभाग पर अनेक राजवंशों ने राज किया लेकिन सबसे ज्यादा समय काट मराठों का ही आधिपत्य रहा। कुछ समय के लिए औरंगजेब का भी अतिक्रमण हो गया था लेकिन जल्दी ही मराठे पुनः स्थापित हो गए। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद मराठों का भी आधिपत्य लगभग समाप्त हो ही गया था जो कि लगभग 1803 में हुआ। 17 सितंबर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने राघोजी द्वितीय भोसले से ये भूभाग जीत लिया और इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी राज्य की शुरुआत हो गई। उस समय यह नर्मदा मंडल का भाग था जो कि केंद्रीय राज्य और बरार के अंतर्गत आता था। भारत देश 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया था और तत्कालीन नागपुर छिंदवाड़ा जिले का मुख्यालय या राजधानी बना दिया गया। जब 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बना और तभी छिंदवाड़ा नगर को छिंदवाड़ा जिले की राजधानी या मुख्यालय बना दिया गया जो कि आज भी यथावत है। दोस्तों अब बात करते हैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में जैसे पातालकोट। छिंदवाड़ा की पहाड़ी की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। साथ ही यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खास भौगोलिक स्थिति की वजह से काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस भूखंड का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा है। इस स्थल से एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार मेघनाथ भगवान शिव की पूजा करने के बाद इसी स्थान से पाताल लोक गए थे। साथ ही पाताल का उट अपनी स्थानीय संस्कृति और कुदरती सुंदरता के बल पर पर्यटकों को आकर्षित करता है। देवगढ़ का किला। यहाँ के ऐतिहासिक देवगढ़ किले से आप छिंदवाड़ा भ्रमण की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही इस किले की दूरी मुख्य शहर से 39 किमी की है। गहरी घाटियों और घने जंगलों के साथ इस प्राचीन किले को एक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह एक काफी विशाल किला है जिसकी खूबसूरत इमारतें पर्यटकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। साथ ही इतिहास को जानने के लिए इच्छुक पर्यटकों के लिए यह स्थान बेहतर है। हनुमान मंदिर सिमरिया छिंदवाड़ा। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में आपको महाबली हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा खड़ी अवस्था में है। आप इस मंदिर में आसानी से आ सकते हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा सा बागीचा बना हुआ है जहां पर आप बैठ सकते हैं। आपको यहां पर आकर सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सिमरिया हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर जबलपुर नागपुर हाईवे रोड में स्थित है।
दोस्तों इनके अलावा भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय स्थल मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।